डियर स्टूडेंट्स वेलकम ऑन आरसी ऑनलाइन पाठशाला. नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 50. इफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए एंड वर्टिसेस आर एक्स वाई वन एक्स टू वाई टू एंड एक्स थ्री वाई थ्री. देखिए क्या बोल रहा है. एक समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है तथा इसके शीर्षों के निर्देशांक एक्स वाई वन एक्स टू वाई टू तथा एक्स थ्री वाई थ्री है. तब ये सिद्ध कीजिए. देखो ध्यान से. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ए देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू रूट थ्री बाई फोर इंटू साइड का स्क्वायर. तो डेल्टा इक्वल टू रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर. नंबर वन डाल दिया. अब देखो ध्यान से हिंदी मीडियम के लिए. प्रश्न अनुसार एक समबाहु त्रिभुज की भुजा स्मॉल ए है. एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, इसका मतलब होता है समबाहु त्रिभुज. एक समबाहु त्रिभुज की भुजा स्मॉल ए है. तब त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट थ्री बाई फोर इंटू भुजा का स्क्वायर. साइड मतलब भुजा, भुजा का स्क्वायर. तो क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर. ये आपका काम कंप्लीट हो चुका है इस वाली लाइन का, यहां तक का. अब देखो क्या कहा है. वर्टिसेस आर दिस वन. तो देखिए आगे ध्यान देना. आगे कैसे करेंगे देखो. अगेन वर्टिसेस ऑफ गिवन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री. यानी आप क्या बोलोगे, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू और यहां पे क्या बोलोगे, एक्स थ्री वाई थ्री. दिए गए समबाहु त्रिभुज के शीर्ष एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री है. हिंदी मीडियम लिख सकते हैं, दिए गए समबाहु त्रिभुज के शीर्ष एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू तथा एक्स थ्री वाई थ्री है. तब आप इसे नोट करेंगे, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या होगा, वन बाई टू और एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन एक्स थ्री वाई थ्री वन हो गया. आप यहां पे लिख सकते हो डेल्टा इक्वल टू वन बाई टू. देखो एरिया आप चाहे ट्राइंगल का फाइंड आउट करो, चाहे आप किसी भी रोमबस का करो या कुछ भी, सम चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, सबके आगे डेल्टा ही लगता है एरिया में. वन एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन एक्स थ्री वाई थ्री वन. अब देखिए कैसे आगे सोल्व होगा. आपने इतना नोट कर लिया होगा. उसके बाद देखो आप जब जो आपको प्रूव करना है वहां पर, यहां पर टू 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 दिया है. तो देखो डेल्टा इक्वल टू वन बाई टू, तो यहां पर टू टू बनाने के लिए मैं काम करता हूं, टू अपॉन टू कर देता हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा. कैंसिल आउट करोगे तो वन बाई टू दिखाई देगा. और यहां पर देखिए एक्स वन वाई वन वन
एक्स टू वाई टू वन, एक्स थ्री वाई, डेल्टा इक्वल टू वन बाई फोर। अब इस टू को अंदर भेजो तो देखो एक्स वन वाई वन टू, एक्स टू वाई टू टू हो गया। देखिए ये टू है तो देखो जब आप मैट्रिक्स पढ़ते हैं उस टाइम आप क्या करते हो, इस टू से ईच एंड एवरी एलिमेंट को क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई करते हो। लेकिन डिटर्मिनेंट के अंदर या तो आप किसी रो से करोगे या कॉलम से करोगे। अभी मैंने आपको डिटर्मिनेंट पढ़ाया नहीं है, जब डिटर्मिनेंट पढ़ाऊंगा, और कुछ क्वेश्चन है इस चैप्टर में भी जिसमें डिटर्मिनेंट का यूज हो रहा है, उनको आपको नहीं करना है। तो देखिएगा इतना हो गया आपने, आप अभी आप ये समझो इस टू से मैंने केवल इस कॉलम को मल्टीप्लाई किया है। क्यों किया है, कैसे किया है, अभी आपको इससे कोई मतलब नहीं है। अब यहां पर क्या था प्रूव करना है, उसमें एक्सपायर है तो क्या करोगे, बाई स्क्वायरिंग, बाई स्क्वायरिंग वी गेट क्या होगा, देखिए हम डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू वन बाई सिक्सटीन, एक्स वन वाई वन टू, एक्स टू वाई टू टू, एक्स थ्री वाई थ्री टू, और इसका क्या कर दिया स्क्वायर। अब देखो फ्रॉम वन क्या था, वन में डेल्टा इक्वल टू रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर, और इसका क्या कर दिया यहां पर मैंने स्क्वायर। डेल्टा की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से रखी है, और ये देखिए वन बाई सिक्सटीन, एक्स वन वाई वन टू, एक्स टू वाई टू टू, एक्स थ्री वाई थ्री टू का स्क्वायर। देखिए मैं आपको एक बात बोलने जा रहा हूं कि आप इसको ज्यादा ना सोचे, केवल इस टू से मैंने इस कॉलम को मल्टीप्लाई किया है। क्यों किया है, ये हम जब सारणिक यानी डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब इसको ज्यादा डीप तरीके में क्लियर करेंगे। तो इसे देखिए थ्री ए फोर अपॉन सिक्सटीन इक्वल टू वन बाई सिक्सटीन, और एक्स वन वाई वन और टू, एक्स टू वाई टू टू, एक्स थ्री वाई थ्री टू, और इसका स्क्वायर। तो 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो देखिए इधर क्या बचा 3 a की पावर 4 और इक्वल टू दिस वन। अब देखो यूं है आपके पास ये दो है 100 रुपीज के नोट, अगर आप इनको यू करते हो तो भी 100 के रहने वाले हैं। तो क्या किया आपने, एक्स वन वाई वन टू, एक्स टू वाई टू टू, एक्स थ्री वाई थ्री टू, और इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 3a4। और इस प्रकार से आपने ये क्वेश्चन सोल्व कर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RHS has proved.